तो गूगल पर आपने सबसे पहले लिखना है जैज ऑनलाइन एटीएम कार्ड एंड रिक्वेस्ट और सर्च कर रहे हैं, तो जो पहली लिंक आएगी ना ऑर्डर कार्ड जैज कैश, इसी पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन आए हुए हैं, गेट योर पर्सनलाइज्ड वीजा डेबिट कार्ड और ऑलरेडी प्लेस एन ऑर्डर। आप क्योंकि न्यू हैं, नया एटीएम कार्ड बनवा रहे हैं, इसलिए आप ऑर्डर नाउ पे क्लिक करेंगे। ये देखिए ऑर्डर नाउ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं चार स्टेप दिए हुए हैं, इसमें अब पहला स्टेप हो रहा है। पहले स्टेप में आपने अपना मोबाइल नंबर देना है और सेम ऐसी नंबर देना है। मोबाइल नंबर आपने वही देना है जो आप जिस पे आपका जैज कैश बना हुआ है और जिस पे आप अपना जैज का वीजा डेबिट कार्ड बनाना चाहते हैं। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए। अगले खाने में आपने अपना सीएनआईसी नंबर यानी शिनाख्ती कार्ड नंबर देना है, ये उसी तरीके से जिस तरह मैं दे रहा हूँ। ये देखिए बिल्कुल देख लीजिए आप अच्छी तरह। आप नेक्स्ट दबा दीजिए। तो ये पहले स्टेप की डिटेल्स आपकी प्रोसेस हो रही है, इसे थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि रिकॉर्ड जाना होता है, इसे कुछ 1-2 मिनट आपको सब्र करने पड़ेंगे, थोड़ी सी वेस्ट करना पड़ेगा आपको। प्रोसेस हो रहा है अभी, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, अभी प्रोसेस हो रहा है। तो दोस्तों ये प्रोसेस हो चुका है, अब स्टेप 2 चल रहा है। इसमें आपने सबसे पहले अपना नाम देना है और जो नाम देना है आपने वही देना है जो आपका शिनाख्ती कार्ड पे सीएनआईसी कार्ड पे बना हुआ है, और वही नाम ही आपने देना है, कोई और नहीं देना। उसके बाद नीचे आपने अपना नंबर देना है, दूसरा कोई नंबर जिस पे वो कॉन्टेक्ट कर सके, ये कोई और आप अपना दूसरा नंबर भी दे सकते हैं या किसी कोई और नंबर जो कि एक्टिव हो ताकि वो वहाँ भी आपको कॉन्टेक्ट कर सकें। ये मैं यहाँ भी एक नंबर दे रहा हूँ। उसके नीचे आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है, अगर है तो आप दे दीजिए, अगर नहीं तो कोई मसला नहीं है, आप ना भी दीजिए, ऑप्शनल है। और हाँ सबसे अहम, यहाँ पर आपने एक मैं आपको खास रेफर नंबर बताऊँ, यही आपने देना है, ये बहुत जरूरी स्टेप है। इधर आपने यही नंबर देना है, कोई और नंबर आपने नहीं देना, ये हमको लाजमी बता रहा हूँ, आपने यही काम करना है, यही नंबर आपने देना है, कोई और नहीं देना, यही रेफरल नंबर आपने देना है। नंबर है 0303-30044, मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, फिर से सुन लें, 0303-30004। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, आपने यही नंबर देना, कोई और नंबर नहीं देना, लाजमी आपने यही नंबर देना है। मैं आपको भी बता रहा हूँ यही नंबर वैलिड है, यही नंबर ही आपने देना है, फिर ही आपका काम सही होगा। यहाँ आपने अपनी सिटी सिलेक्ट करनी है, मेरी जो सिटी है मैं वही सिलेक्ट कर रहा हूँ। आगे आपके पास दो ऑप्शन आ गए, डिलीवर टू ऑन एड्रेस, डिलीवर टू मोबलिंग ब्रांच, ये आपकी मर्जी जो सिलेक्ट करें। डिलीवर टू ऑन एड्रेस का मतलब आपने घर के एड्रेस में सेंड करेंगे, और मोबलिंग ब्रांच का मतलब आपके शहर में जो भी मोबलिंग की ब्रांच है वहीं सेंड होगा। अगर आप ऑन एड्रेस सेलेक्ट करते हैं तो आगे हाउस, अपार्टमेंट या ऑफिस, इन तीनों में से जो आप सेलेक्ट करना चाहें सेलेक्ट करें। आगे स्ट्रीट, गली या लेन, ऐसे तीनों का एक ही मतलब है जो आप सेलेक्ट करें। नीचे फिर गली का नाम लिखें, फिर आगे आता है कलोनी, मोहल्ला, टाउन, सेक्टर, इनमें जो आप सेलेक्ट करेंगे फिर आगे उसका नाम भी लिखें, जैसे मोहल्ला लिख देना मोहल्ले का नाम। आगे फिर आपने देना नियर बाय लैंडमार्क, ये आपने वही देना है जो क्या कहते हैं आपके घर के करीब जो भी कोई खास जानी पहचानी जगह हो, कोई भी, कोई आपने देनी है। अगर आप ब्रांच ऑफिस सेलेक्ट करते हैं तो वो अपने आप ही चेक कर लेगा कि कौन सा ब्रांच है, तो वहाँ फिर प्रोसेस करने लगेगा और कुछ देर लगा देगा, फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। अब यहाँ देखें, अब आप तो पेमेंट की बात कर रहे हैं, पेमेंट में देखें यहाँ पर कार्ड की सिर्फ 1 रुपये लिखी है, 1 रुपये की क्या कीमत है आपको भी पता है। यहाँ पर आप ये देख लीजिए 1 रुपये आया हुआ है। यहाँ पर आपने नीचे वेरीफाई एड्रेस एंड प्रोसीड दबाना है। अगर आपका एड्रेस थोड़ा गलत हो जाए तो आप एक बार चेंज एड्रेस में चेक करके दोबारा चेंज भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, फिर आप वेरीफाई एड्रेस पे दबा दीजिए दोबारा। तो जैसे मैं वेरीफाई एड्रेस पे दबाऊंगा, देखिए मैं आप वेरीफाई एड्रेस पे दबाऊंगा तो यहाँ पर आ जाए, तो प्लीज वेट, यहीं पर आपने जो नंबर दिया था वो नंबर जिस मोबाइल में, वहाँ पर एक फ्लैशिंग मैसेज आएगा कि पिन कोड दें, वहाँ पर आपने अपना जैज कैश नंबर का पिन कोड देना है और फिर ट्रांजेक्शन हो जाएगी और फिर यहाँ से आगे पेज खुल जाएगा। मेरे पास अभी आएगा फ्लैशिंग मैसेज तो मैं पिन कोड दूंगा। मैं
मैंने पिन कोड दे दिया, आप देखें वो अपने आप ही ऑटोमेटिक ही ब्राउजर आगे लोड हो गया। अब आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो चुकी है, अब नीचे आप पढ़ लीजिए, वो आपको बता रहे हैं आपकी ऑर्डर की आईडी क्या है, आप उसे ट्रैक किस तरह कर सकते हैं। और नीचे आपको एसएमएस में भी वो कह रहे हैं कि बताया जाएगा, और वो कह रहे हैं 15 वर्किंग डेज में डिलीवर हो जाएगा ऑर्डर रिक्वेस्ट पूरी होने के बाद। अब एक और चीज़ लाजमी आप देख लें, अगर आपका जैज कैश जो अकाउंट है पहले डेबिट कार्ड पहले से बना हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा, इसलिए अगर आपका पहले से बना हुआ है तो ये ख्याल रखिए कि वो ब्लॉक हो जाएगा और आपको ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं है। और मिसाल देते हैं, अगर आप अपने ऑर्डर की स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आप पहले बैक जाएंगे, यहाँ पर जहाँ ऑर्डर नाउ लिखा हुआ था शुरू में उसी के नीचे लिखा हुआ था चेक योर ऑर्डर स्टेटस, उसी को आप दबाएंगे। यहाँ पर आपने वही नंबर देना है जिस पे आपने अपना जैज डेबिट कार्ड बनाया हुआ है, वही नंबर आपने दे देना है। मैं अपना नंबर दे रहा हूँ और नेक्स्ट कर देना, ये प्रोसेस हो रहा है। आगे आपके उसी नंबर पर एक एसएमएस पे एक कोड आएगा, वही कोड आपने वहां से देखकर यहाँ लिख देना है। आपके पास सिर्फ एक मिनट का टाइम होगा, फिर कोड चेंज हो जाएगा, इसलिए जल्दी आपने एसएमएस से देख के यहाँ लिख देना है। वही कोड मैं आप लिख रहा हूँ, ये देखिए मैं ये कोड जो मेरे पास आया था वही मैं कोड लिख रहा हूँ। अब आपने नेक्स्ट दबाना है, वो प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पर ऑर्डर की स्टेटस दी हुई है कि